हेलो एवरीवन, आज हम एरोमेटिक कन्वर्जन रिएक्शन की बात करेंगे कि एरोमेटिक कन्वर्जन रिएक्शन को कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड को देख लेते हैं। तो हमारा पहला एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन, सेकंड है फ्लोरोबेंजीन, थर्ड है क्लोरोबेंजीन, फोर्थ है ब्रोमोबेंजीन, ये फिफ्थ है आयोडोबेंजीन, ये बेंजोनाइट्राइल या साइनोबेंजीन कहलाता है या फिनाइल साइनाइड बोलते हैं इसको। एट्थ नंबर का टोलुइन है, नाइन नंबर का इथाइल बेंजीन है, टेन नंबर का फिनॉल, इलेवन नंबर का बेंजल्डिहाइड, ट्वेल्व नंबर का एसिटोफिनॉल, थर्टीन नंबर का बेंजोफिनॉल, फोर्टीन नंबर का बेंजोइक एसिड, फिफ्टीन नंबर का बेंजिनामाइड, सिक्सटीन नंबर का बेंजोइक क्लोराइड, सेवनटीन नंबर का एनिलीन, एटीन नंबर का सल्फोनिक एसिड, नाइनटीन नंबर का नाइट्रोबेंजीन, ट्वेंटी नंबर का बेंजाइल एल्कोहल, 21 का बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, 22 का एनिसोल, 23 हमारा विग्नर्ड डीजेंट कहलाता है जिसको हम फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बोलते हैं। तो ये हमारे मोस्ट कॉमन एरोमेटिक कंपाउंड है। इनके अलावा भी बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं जिनको हम रिएक्शन के साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। तो एरोमेटिक कन्वर्जन रिएक्शन का ये हमारा फ्लो चार्ट है। हमारा स्टार्टिंग कंपाउंड कौन सा है? बेंजीन है। बेंजीन से हमें नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन करना है, नाइट्रोबेंजीन से हमें एनिलीन बनाना है, और एनिलीन से हमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाना है। तो अगर आपको ये फ्लो चार्ट याद रहा तो एरोमेटिक कन्वर्जन जो है वो बहुत इजी होने वाला है, वो बहुत सिंपल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। जब बेंजीन की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो हमारा नाइट्रोबेंजीन जो है वो बनता है। HNO3 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इस बेंजीन का हाइड्रोजन OH पे आएगा तो H2O तो निकल जाएगा, NO2 जो है वो इस बेंजीन पे लग जाएगा, तो ये बन गया। फिर इस नाइट्रोबेंजीन का हम रिडक्शन कराएंगे टिन HCl में तो हमारा एनिलीन बनता है। अब ये रिडक्शन होता कैसे है? तो देखो जरा, टिन HCl के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा? टिन क्लोराइड बनेगा और नेसेंट हाइड्रोजन बनेगी। ये नेसेंट हाइड्रोजन जो है वो NO2 को रिड्यूस कर देती है, तो NO2 तो हमारा ऐसा होगा। तो ये ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन लेके वाटर बनाएगा, ये ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन लेके वाटर बनाएगा, और दो हाइड्रोजन यहां पे लग जाएंगे तो NH2 बन जाएगा। तो यहां पे हमको 6 नेसेंट हाइड्रोजन चाहिए, मतलब इस इक्वेशन को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी हमें 6 नेसेंट हाइड्रोजन मिलेगी। अब एनिलीन की रिएक्शन जो है वो NaNO2 HCl से कराते हैं तो इससे हमको मिलता है HNO2 मिलता है। HNO2 को हम ऐसा लिख सकते हैं OH एन डबल बॉन्ड O। अब देखो जो हमारा एनिलीन है उसकी रिएक्शन OH एन डबल बॉन्ड O से कराते हैं तो ये तो हमारा निकलेगा वाटर, ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन से कनेक्ट हो जाएगा तो ये ऐसा आएगा एन डबल बॉन्ड एन OH। अभी एसिड जो हमने लिया है HCl वो इससे कंबाइन होगा तो H और ये OH तो ये वाटर फिर निकल जाएगा तो ये बन जाएगा NCl, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव लग जाएगा। तो ऐसे हमारे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? बेंजीन हमें स्टार्टिंग कंपाउंड ये चाहिए, और जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना है इससे हम लगभग लगभग सारे एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब हमें यह देखना है कि इस बेंजीन का फॉर्मेशन हम कैसे करेंगे और इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की हेल्प से हम बाकी सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे कर पाएंगे, उसकी मेथड क्या होगी। तो ये हमारा बेंजीन है और इस बेंजीन का फॉर्मेशन हम किन किन रिएक्शन के थ्रू कर सकते हैं। तो हमारी पहली रिएक्शन है जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को कोक में हीट करते हैं अबाउट 2000 डिग्री सेल्सियस तो कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मेशन होता है। इस कैल्शियम कार्बाइड की वाटर से रिएक्शन कराने पे
एसिटिलीन बनती है और एसिटिलीन के तीन मॉलिक्यूल पॉलीमराइज होके बेंजीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो हमारी सेकेंड रिएक्शन है ये हमारा मिथाइल बेंजीन है जिसको हम टोलुइन कहते हैं। अगर मिथाइल बेंजीन की जगह इथाइल बेंजीन होता तो भी इसको हम एसिडिफाइड केमेनोफोर में हीट करते हैं तो ये ऑक्सीडाइज होके बेंजोइक एसिड बनाता। तो बेंजोइक एसिड जो है वो सोडा लाइम में हीट करने पे हीट कर दो क्या बनाएगा, बेंजीन का फॉर्मेशन करेगा। इसके बाद थर्ड रिएक्शन आएगी, हमारा कोई भी हेलो बेंजीन हो, चाहे क्लोरो बेंजीन हो, ब्रोमो बेंजीन हो, आयोडो बेंजीन हो, उसकी रिएक्शन मैग्नीशियम से कराओगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होगा, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड या फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड की रिएक्शन वाटर से कराओगे तो बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। फोर्थ रिएक्शन में फिनॉल की रिएक्शन जिंक डस्ट से कराते हैं तो बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद फिफ्थ रिएक्शन आएगी, जब बेंजाल्डिहाइड की रिएक्शन जो है वो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट में कराते हैं तो बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है, फिर इसको हम सोडा लाइम में हीट करते हैं तो हमें बेंजीन मिलता है। फिर इसके बाद हमारे सिक्स रिएक्शन है, हमने यहाँ पे इथाइल बेंजीन लिया, इसकी रिएक्शन एल्कलाइन केमेनोफोर में कराते हैं तो बेंजोइक एसिड बनता है और बेंजोइक एसिड को सोडा लाइम में हीट करोगे तो बेंजीन बनेगा। फिर हमारे जो सेवेंथ रिएक्शन है ये बेंजीनामाइड है, इसकी रिएक्शन NaNO2HCl से कराओगे तो ये बनेगा HNO2 बनता है। HNO2 को हम ऐसे लिख सकते हैं OH एंड डबल बॉन्ड O, तो ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन को ले जाएगा, ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन से कंबाइन होकर N2 निकाल लेगा, फिर क्या होगा CO और ये OH कनेक्ट हो जाएगा तो बेंजोइक एसिड मिल जाएगा हमको। तो यहाँ पे क्या होता है, हमको नाइट्रोजन निकल जाता है, वाटर निकल जाता है। फिर बेंजोइक एसिड से बेंजीन कैसे बनाना है ये तो हमको पता है, सोडा लाइम में आप हीट कर दोगे तो बेंजीन बन जाएगा। फिर एट नंबर का ये हमारे पास सैलिसिलिक एसिड है, जिंक डस्ट में आप हीट करोगे तो ये जो OH पार्ट है इससे जिंक रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बनाता है, जो हाइड्रोजन है वो बेंजीन रिंग पे चिपक जाएगा, बेंजोइक एसिड बनेगा, बेंजोइक एसिड को सोडा लाइम में हीट करोगे तो बेंजीन बन जाता है। फिर नाइन्थ नंबर की रिएक्शन है बेंजोइक क्लोराइड की, इसकी रिएक्शन पैलेडियम BSO4 में हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो हमारा बेंजाल्डिहाइड बनता है, इसको हम रोजेनमुंड रिएक्शन बोलते हैं। तो बेंजोइक क्लोराइड से बेंजाल्डिहाइड का फॉर्मेशन रोजेनमुंड रिएक्शन कहलाती है। फिर बेंजाल्डिहाइड से हम बेंजोइक एसिड बनाएंगे, ऑक्सीडेशन से बनाएंगे, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट में ऑक्सीडाइज करेंगे तो बेंजोइक एसिड बनेगा, फिर सोडा लाइम से इसकी रिएक्शन कराएंगे तो बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारी 10th नंबर की रिएक्शन है, इसमें हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड का हाइड्रोलिसिस कराना है एसिडिक मीडियम में तो ये हमारा बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर 11th नंबर की रिएक्शन होगी, ये बेंजाइल अल्कोहल कहलाता है, इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो बेंजोइक एसिड बनता है, बेंजोइक एसिड को सोडा लाइम में हीट करोगे तो बेंजीन बनेगा। 12th नंबर की रिएक्शन है, ये हमारा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड कहलाता है, इसको आप पानी में डाल दोगे तो फिनॉल बनेगा और फिनॉल की जिंक डस्ट से रिएक्शन कराओगे तो बेंजीन बनेगा। 13th नंबर की रिएक्शन है नाइट्रोबेंजीन, इसका रिडक्शन कराओगे 10HCl में तो एनिलीन बनेगा, एनिलीन की रिएक्शन NaNO2HCl में कराओगे तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनेगा, इसको आप ऐसा लिख सकते हो N2Cl, फिर इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो फिनॉल बनेगा, फिनॉल को जिंक डस्ट से रिएक्शन कराओगे तो बेंजीन बनेगा। 14th नंबर की रिएक्शन एनिलीन अगर हमारा रिएक्टेंट है तो NaNO2HCl की रिएक्शन से हमारा बेंजीन डाइएथोनियम क्लोराइड बनेगा, इसकी वाटर से रिएक्शन कराने पे हमें फिनॉल बनेगा, फिनॉल का जिंक डस्ट से रिएक्शन कराओगे तो बेंजीन बनेगा। इसके बाद हमारी जो 15th नंबर की रिएक्शन है इसमें हम क्लोरोबेंजीन का वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो फिनॉल बनता है, फिनॉल की रिएक्शन जिंक डस्ट से कराएंगे तो बेंजीन बनेगा। ये रिएक्शन होती ऐसे है, वाटर का एच जो है इस क्लोरीन को लेके HCl बना लेगा तो HCl निकल जाएगा, OH जो है यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा तो फिनॉल बन गया, जिंक डस्ट जो है वो फिनॉल से रिएक्ट करेगा तो जिंक ऑक्साइड जो है वो निकल जाएगा, हाइड्रोजन जो है यहाँ पे लग जाएगा तो बेंजीन बन जाएगा।
इसी प्रकार क्लोरोबेंजीन की NOH से रिएक्शन कराते हैं तो NaCl निकल जाता है, OH यहाँ पे आ जाएगा तो फिनोल बन जाएगा। तो हमारा NaCl तो निकल गया, फिनोल बना है, जिंक डस्ट से रिएक्शन कराएंगे तो जिंक ऑक्साइड बनेगा, H जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो बेंजीन बन जाएगा। इसी प्रकार क्लोरोबेंजीन का रिडक्शन जो है वो निकल एल्यूमिनियम एलॉय की रिएक्शन जो है वो NOH से कराते हैं तो नेसेंट हाइड्रोजन निकलता है जो क्लोरोबेंजीन को रिड्यूस करके बेंजीन में कन्वर्ट कर देता है। तो अब रिएक्शन होती कैसे है, तो जो आपका एल्यूमिनियम है ये तो एम्फोटेरिक मेटल है, NaOH से रिएक्ट करेगा तो NaAlO2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस देता है। नेसेंट हाइड्रोजन हम उसको बोलते हैं जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड हो रही हो, तो लेबोरेटरी में या किसी भी मेथड से आप जो हाइड्रोजन गैस बना रहे हो उस हाइड्रोजन गैस का अगर आपने तत्काल यूज कर लिया उस हाइड्रोजन को हम नेसेंट हाइड्रोजन बोलते हैं। और ये हाइड्रोजन एटॉमिक हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, इस कारण ये क्लोरोबेंजीन से क्लोरीन को हटा के क्लोरोबेंजीन को बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये हमारी बेंजीन फॉर्मेशन की बहुत सारी मेथड हो गई। तो कन्वर्जन का एक स्टेप तो हमने कंप्लीट कर लिया, अब सेकेंड स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तो हमने बहुत सारे कंपाउंड से बेंजीन का फॉर्मेशन तो कर लिया, अब बेंजीन से हमें नाइट्रोबेंजीन बनाना है। तो रिएक्शन तो आपको पता है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से करानी है बेंजीन की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। जब ये 50-60 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन होती है तो नाइट्रोबेंजीन बनता है। अब ये जो नाइट्रोबेंजीन बना हुआ है इसका हमें रिडक्शन कराना है, तो आप किसी भी एसिड में मेटल डाल दो तो मेटल और एसिड की रिएक्शन से नेसेंट हाइड्रोजन निकलेगा जो NO2 को रिड्यूस करके क्या बना देगा, एनिलीन बना देगा। तो आपका मेटल टिन हो सकता है, आयरन हो सकता है, जिंक हो सकता है, अगर आपने सोडियम मेटल लिया तो आप एल्कोहल से भी हाइड्रोजन निकाल सकते हो। यहां पे हमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि वो नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट नहीं करेगा। तो अगर आपने गलती से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इसका रिडक्शन करा दिया तो फिर क्या बनेगा, एनिलीन तो नहीं बनने वाला, ये तो हम बता चुके हैं। तो भैया बनेगा क्या, तो देख लेते हैं क्या बनेगा। तो ये बनेगा एजोबेंजीन बनेगा, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है इसके नेसेंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन को तो लेके उड़ जाते हैं लेकिन वो नाइट्रोजन को हाइड्रोजन नहीं दे पाते हैं जिससे हमारा एनिलीन नहीं बन पाता है। तो इसके दो मोल जो है मिलके क्या बनाते हैं, एजोबेंजीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो याद रखना नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन जो है वो हमें मेटल और एसिड के साथ कराना है या फिर सोडियम एल्कोहल के साथ कराना है। तो अगर हम कहें कि इस नाइट्रोबेंजीन का मेन यूज क्या है तो इसका मेन यूज यही है एनिलीन का फॉर्मेशन। फिर एनिलीन से हम बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं लेकिन इसका मेन यूज है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन। तो ये हमारा कहलाता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड BDC। तो एनिलीन की रिएक्शन जो है वो NaNO2HCl से कराते हैं तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड जो है इसका फॉर्मेशन होता है और इस बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से आप सारे एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हो। तो बस एनिलीन से हम दूसरे कंपाउंड कैसे बना सकते हैं और बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं ये बात करेंगे। तो आपका कन्वर्जन जो है यहां पे खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम एनिलीन से कौन कौन से एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, तो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड है कार्बल अमाइन, मिथाइल एनिलीन, एसिटेनिलाइड, बेंजेनिलाइड, स्विफ्ट बेस। इन इंपॉर्टेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन जो है वो हम एनिलीन से कर सकते हैं। तो अगर हमें कार्बल अमाइन का फॉर्मेशन करना है तो हमें क्या करना होगा, एनिलीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और KOH से करानी होगी। तो क्या होगा, 3KCl और 3H2O जो है वो निकल जाएगा तो हमारा फिनाइल आइसोसाइनाइड जिसको हम कार्बल अमाइन बोलते हैं का फॉर्मेशन हो जाता है। इस रिएक्शन को हम कार्बल अमाइन रिएक्शन भी कहते हैं।
जब एनिलीन की रिएक्शन हम एल्काइल हैलाइड से कराते हैं, सपोज हमने यहाँ पे मिथाइल आयोडाइड ले लिया, तो क्या होगा, एच आई जो है वो निकल जाएगा और सी एस थ्री जो है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, तो मिथाइल एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर हम एनिलीन की रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड से कराते हैं तो क्या होगा, एच सी एल निकलेगा और रिमेनिंग पार्ट जो है इससे कनेक्ट हो जाएगा, तो ये हमारा एसिटिनलाइड बन जाएगा। अगर हम एनिलीन की रिएक्शन बेंजोइक क्लोराइड से कराते हैं तो बेंजोनिलाइड का फॉर्मेशन होता है, यहाँ भी एच सी एल जो है वो निकल जाता है। ये दोनों की दोनों रिएक्शन जो है बेस की प्रेजेंस में करानी है, मतलब NaOH की प्रेजेंस में करानी है, एक बेस यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। अगर हम एनिलीन की रिएक्शन बेंजाल्डिहाइड से कराएं तो यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन वाटर बना लेगा, तो यहाँ पे वाटर निकल जाएगा और रिमेनिंग पार्ट जो है कनेक्ट हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं से बेस, इसी को हम बोलते हैं अनिल। तो एनिलीन का फॉर्मेशन हम नाइट्रोबेंजीन के अलावा क्लोरोबेंजीन, फिनॉल और बेंजीन अमाइड से कर सकते हैं। तो जब नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन जो है वो किसी मेटल एसिड से कराते हैं तो एनिलीन बनता है, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अमोनिया से कराने पे HCl निकल जाएगा और एनिलीन जो है हमारा बनेगा, फिनॉल की रिएक्शन अमोनिया से कराने पे हमारा H2O जो है वो निकल जाएगा और अमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर बेंजामाइड की रिएक्शन ब्रोमीन एंड KOH से करानी है, 1:4 में आपको ये रिएक्टेंट लेने हैं, तो क्या होगा हमारा KBr निकल जाएगा, K2CO3 निकलेगा और क्या होगा एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके बाद बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से हम सारे एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, तो ये हमारा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है। जब इसकी रिएक्शन वाटर से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H3PO2 एंड कॉपर सॉल्ट तो क्या होता है, ये हमारा हाइपोफॉस्फोरस एसिड जो है वो ऑक्सीडाइज होके फॉस्फोरस एसिड बनाता है, तो ये H3PO3 बन जाएगा, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीजन निकल के यहाँ आके हाइड्रोजन से ये क्लोरीन निकल जाएगा तो HCl निकल जाएगा, नाइट्रोजन निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन इस पर चिपक जाएगा तो बेंजीन बन जाएगा। जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन जो है वो इथेनॉल से कराते हैं तो इथेनॉल का ऑक्सीडेशन हो जाता है, ये तो हमारा बनता है एल्डिहाइड और क्या होगा इसका रिएक्शन हो जाएगा तो ये बनेगा हमारा बेंजीन। तो क्या होता है इससे दो हाइड्रोजन, ये वाले हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकलते हैं, एक हाइड्रोजन तो क्लोरीन के साथ HCl बनाता है, नाइट्रोजन आपका निकल जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन इस रिंग पे चिपक जाएगा तो बेंजीन बन जाएगा। फिर इसके बाद बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन जो है CuCl HCl से करानी है, तो नाइट्रोजन निकल जाएगा, ये क्लोराइड आयन इस H से कंबाइन होगा HCl बनाएगा, ये Cl जो है इस रिंग पे आएगा तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। फिर बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन CuBr HBr से कराते हैं तो क्या होगा, ये क्लोरीन इस H से कंबाइन होकर HCl बनाएगा, नाइट्रोजन निकल जाएगा, ये ब्रोमीन इस रिंग पे लग जाएगा तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। इसी प्रकार बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन CuCn KCn से करानी है, तो ये क्लोराइड आयन ये Kc कंबाइन होगा तो KCl बनाएगा, नाइट्रोजन निकल जाएगा, CN जो है इस पे लग जाएगा तो साइनोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसको हम बेंजोनाइट्राइड भी बोलते हैं या फिनाइल साइनाइड भी बोलते हैं। तो ये जो हमारी तीन रिएक्शन है इनको हम सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं। ये हमारी कौन सी रिएक्शन कहलाती है, सैंडमेयर रिएक्शन कहलाती है। इसके बाद अगर हम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को कॉपर HCl से रिएक्शन कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है, नाइट्रोजन बनता है, HCl बनता है। तो होता क्या है कि ये क्लोराइड आयन ये H से कंबाइन होकर HCl बनाएगा, नाइट्रोजन निकल जाएगा, ये Cl इस बेंजीन रिंग पे अटैच हो जाएगा। इसी प्रकार हम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन CuHBr में कराते हैं तो क्या होगा, ये H इस Cl से HCl बनाएगा, ये N2 निकल जाएगा, ये Br यहाँ पे कनेक्ट होके ब्रोमोबेंजीन बनाता है। अगर हम इसकी रिएक्शन Ki से कराते हैं तो KCl बनेगा, I जो है इस पे लग जाएगा, N2 निकल जाएगा, तो आयोडोबेंजीन बन जाता है। जब हम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन HBr4 से कराते हैं तो ये HBr4 होता क्या है, तो जो हमारा HF और BF3 की रिएक्शन से बनता है H
PF4। तो होगा क्या, ये H इस Cl से कंबाइन होकर HCl निकाल लेगा और ये BF4 नेगेटिव जो है इससे अटैच हो जाएगा। फिर इसको हम हीट करेंगे तो N2 निकल जाएगा, ये F इधर आ जाएगा, BF3 निकल जाएगा। अगर हम इसको सोडियम नाइट्राइड में कॉपर के साथ हीट करते हैं तो क्या होगा, NaBF4 बन जाएगा, NO2 इससे अटैच हो जाएगा, N2 जो है वो निकल जाएगा, तो नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अभी तक हमने बेंजीन का फॉर्मेशन देखा, हेलोबेंजीन का फॉर्मेशन देखा और साइनोबेंजीन एंड नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन देख लिया है। ये जो हमारी रिएक्शन है, ये रिएक्शन और ये रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं गेटरमैन रिएक्शन। ये हमारी गेटरमैन रिएक्शन कहलाती है और फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन ये हमारी वॉल्ज सीमेन रिएक्शन कहलाती है। ये हमारी वॉल्ज सीमेन रिएक्शन कहलाती है। तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर HCl कॉपर HBr, ये हमारी गेटरमैन रिएक्शन कहलाएगी। और अगर फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो रहा है तो हमारी वॉल्ज सीमेन रिएक्शन कहलाती है। फिर अगर हम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को बॉइल करते हैं एसिडिक मीडियम में तो ये हाइड्रोजन इस क्लोराइड आयन को लेकर HCl बना लेगा, N2 निकल जाएगा, OH जो है वो इससे कनेक्ट हो जाएगा तो फिनॉल बन जाएगा। फिर बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन फिनॉल से कराते हैं तो क्या होता है, यहाँ का हाइड्रोजन निकल के क्लोराइड आयन से कंबाइन होकर HCl बनाएगा। तो भैया HCl यहाँ पे निकाल दो, ये HCl निकल जाएगा, HCl निकल गया, फिर क्या होगा, ये बेंजीन और ये नाइट्रोजन से ये पूरा पार्ट जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। तो ये पूरा पार्ट तो हमारा कहलाता है एजोबेंजीन, ये लिखा हुआ है, और पैरा पोजीशन पे OH ग्रुप कनेक्ट है तो हम लिखेंगे पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ये उसका नाम हो गया, ये कपलिंग रिएक्शन कहलाती है। फिर बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन जो है वो एनिलीन से करानी है तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल के HCl बना लेगा, तो HCl निकाल दो भाई, ये पार्ट और ये पार्ट कनेक्ट हो जाएगा, कपल बन जाएंगे, तो ऐसा स्ट्रक्चर आएगा। ये तो हमारा पूरा एजोबेंजीन कहलाता है, अमीनो ग्रुप जो है पैरा पोजीशन पे कनेक्ट है तो पैरा अमीनो एजोबेंजीन बनेगा। फिर ये जो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है इसकी रिएक्शन जिंक HCl से कराते हैं तो यहाँ तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ये जो हाइड्रोजन गैस है यही तो हमारी नेसेंट हाइड्रोजन है क्योंकि फ्रेशली प्रिपेयर्ड हो रही है। तो क्या होगा, एक नाइट्रोजन से तो अमाइन बनाएगी, दूसरे नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देगी और ये क्लोराइड आयन से क्या बनाएगी, HCl बना लेगी। तो यहाँ पे ये दोनों जो है वो कपलिंग रिएक्शन कहलाती हैं। जो हमारा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन है ये ऑरेंज कलर की डाई होता है तो ये हमारा है ऑरेंज डाई और पैरा अमीनो एजोबेंजीन ये हमारी येलो कलर की डाई होती है तो ये हमारी येलो कलर की डाई है। फिर अगर बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन Na2SO3H2O से कराते हैं तो देखो क्या होता है, इसकी रिएक्शन से बनेगा Na2SO4 और हमको नेसेंट हाइड्रोजन मिलेगा तो ये नेसेंट हाइड्रोजन निश्चित तौर पे इसको क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे तो ये H ये क्लोरीन से HCl बना लेगा और ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन को रिड्यूस करके ये NH2 बना लेगा तो ये तो हमारा पार्ट कहलाता है हाइड्रोजीन। फिनाइल ग्रुप कनेक्ट है तो फिनाइल हाइड्रोजीन हाइड्रोक्लोराइड। SnCl2 HCl से कंबाइन होकर क्या बनाएगा, SnCl4 बनाएगा और नेसेंट हाइड्रोजन देगा। ये नेसेंट हाइड्रोजन इस क्लोराइड से HCl बनाएगा और इन नाइट्रोजन को NHNH2 में रिड्यूस कर देगा तो हमारा बन जाएगा फिनाइल हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोराइड। इसके बाद हम कन्वर्जन की प्रैक्टिस करते हैं, हमें लाइम टू बेंजीन का फॉर्मेशन करना है तो देखो जरा कैल्शियम ऑक्साइड ये तो लाइम होता है, जब इसको हम कोक में हीट करते हैं बहुत ज्यादा हीट करना है अप्रोक्स 2000 डिग्री सेल्सियस तो इलेक्ट्रिक आर्क में इसको हम हीट करते हैं तो ये कैल्शियम कार्बाइड बनता है CaC2। जब कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन जो है वो हम वाटर से कराते हैं तो ये एसिटिलीन बनता है CH CH और क्या बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा
तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बना। अब अगर हम ऐसे क्लीन के तीन मोल ले लें तो इसका हो जाएगा पॉलीमराइजेशन। तो ये तो हम कर देते हैं पॉलीमराइजेशन, और ये पॉलीमराइजेशन जो है वो कॉपर ट्यूब में होता है, कॉपर ट्यूब में हीट करते हैं, तो हमारा बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हमारा लाइन टू बेंजीन हो गया। तो अब हमारा सेकेंड कन्वर्जन होगा जिसमें हमें बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना है। तो आप ये लिख लो, ये हमारा बेंजीन है, से हमको बेंजोइक एसिड जो है वो बनाना है। तो कार्बन रिंग पे कब पड़ता है? फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन से। तो देखो जरा, ये हमारा बेंजीन रिंग है, इसकी रिएक्शन जो है वो मिथाइल क्लोराइड से करा देते हैं, CH3Cl से करा देते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो इसका हाइड्रोजन निकल के क्लोरीन से कंबाइन होकर HCl निकल जाएगा और ये हमारा बन जाएगा टोलुइन। तो बेंजीन से टोलुइन, ये हमारी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कहलाती है। ये हमारी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कहलाती है, ये एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन भी कहलाता है। अब इस मिथाइल ग्रुप को हमें COH ग्रुप में कन्वर्ट करना है, तो बस इसको हम एसिडिफाइड KMnO4 से रिएक्ट करा देंगे, तो इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो मिथाइल ग्रुप ऑक्सीडाइज होकर क्या हो जाता है? COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब ये ऑक्सीडेशन होता कैसे है? तो देखो जरा, ये बेंजीन के लिए कार्बन, तो हाइड्रोजन कार्बन के बीच ऑक्सीजन आ जाएगा, तो तीन OH ग्रुप ऐसे आ जाते हैं। हमको पता है कि एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH ग्रुप स्टेबल नहीं होता, तो क्या होगा? वाटर का फॉर्मेशन होगा, तो ये वाटर निकल जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा सी, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में आ जाएगा और ये OH है, ये तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे बन जाता है। इसके बाद हमें बेंजोइक एसिड से बेंजीन बनाना है। तो देखो जरा, ये तो हमारा बेंजोइक एसिड है और ये हमारा बेंजीन है, तो बेंजोइक एसिड से बेंजीन का फॉर्मेशन हमें करना है। तो देखो यहाँ पे एक कार्बन ज्यादा है, यहाँ पे एक कार्बन कम है, तो कार्बन को हमें रिमूव कराना है। तो कार्बन का रिमूवल जो है वो डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन से होता है या फिर हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से होता है। तो यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जो है वो लगेगी। तो डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती क्या है? जब हम बेंजोइक एसिड को हम सोडा लाइम में हीट करते हैं तो NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड, इसका मिक्सचर, ये हमारा कहलाता है सोडा लाइम। तो होता क्या है कि सबसे पहले ये NaOH इस एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है, हमारा क्या बनेगा? COONa बनेगा, सोडियम बेंजोएट। ये सोडियम बेंजोएट अब इससे हीट कर रहे हो सोडा लाइम में, तो क्या हो रहा है? ये पूरा निकल जाएगा, सोडियम कार्बोनेट जो है वो निकल गया और क्या बन जाएगा? बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये एच जो है इस रिंग पे लग जाएगा तो बेंजीन हमारी बन जाएगी। इस कैल्शियम ऑक्साइड का यूज क्या है? ये वाटर को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। क्यों? क्योंकि इसकी और इसकी रिएक्शन से क्या बनेगा? ये बना और क्या बनेगा? वाटर बनेगा, और वाटर बनने पे ये हमारा क्या हो जाएगा? डिसोसिएट हो जाएगा। तो हमें भैया NaOH को डिसोसिएट नहीं कराना है, सॉलिड फॉर्म में लेना है, इसलिए कैल्शियम ऑक्साइड हमने लिया हुआ है ताकि ये वाटर को एब्जॉर्ब कर ले और फिर हम हीट कराएंगे तो ये रिएक्शन ऐसी होगी। इसके बाद हमें बेंजीन से एसीटोफिनोन का फॉर्मेशन करना है, तो सबसे पहले हम दोनों के फॉर्मूले लिख लेंगे। तो ये तो हमारा बेंजीन है और इससे हमें एसीटोफिनोन बनाना है, तो एसीटोफिनोन COCH3 जब बेंजीन के ऊपर लगा। तो ये तो हमारा फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन से बनता है, तो देखो जरा,
ये हमारा बेंजीन है। जब हम इसका एसाइलेशन कराते हैं तो CH3COCl इसकी रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 में कराते हैं, तो क्या होता है, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, ये क्लोरीन से कंबाइन होकर क्या बनाएगा, HCl बनाएगा, और रिमेनिंग पार्ट जो है वो बेंजीन रिंग पे अटैच हो जाता है, तो ये COCH3 अटैच हो गया और HCl जो है वो बन जाता है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बोलते हैं। तो ये हमारा एसिटोफिनॉल हो गया। इसके बाद हमारा फिफ्थ कन्वर्जन है, इसमें हमें बेंजीन से मेटानाइट्रो टोलुइन का फॉर्मेशन करना है। तो ये तो हमारा बेंजीन है, इससे हमें मेटानाइट्रो टोलुइन बनाना है, तो ये टोलुइन हो गया, ये उसकी मेटा पोजीशन हो गई, तो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा होना चाहिए। तो ये फॉर्मेशन हम कैसे करेंगे, तो देखो जरा, बेंजीन की रिएक्शन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से कराते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। अब चूंकि नाइट्रो ग्रुप हमारा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, तो इसका हम एल्काइलेशन करा लेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये एनहाइड्रस AlCl3 में हो जाती है, से हमारा मेटा नाइट्रो टोलुइन बन जाएगा। तो ये हमारा मेटा नाइट्रो टोलुइन हो गया। आप इस रिएक्शन को ऐसे नहीं कर सकते कि आपने ये बेंजीन लिया और सबसे पहले आप सोच रहे हो कि एल्काइलेशन करा दें, एनहाइड्रस AlCl3, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहलाती है। तो आपका टोलुइन तो बन जाएगा, फिर आप सोचो कि इसकी रिएक्शन जो है वो हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में इसको हम हीट कर दें, तो हमारा नाइट्रो टोलुइन तो बनेगा, लेकिन ऑर्थो नाइट्रो टोलुइन बन जाएगा या फिर पैरा नाइट्रो टोलुइन बन जाएगा। ये NO2 यहां लगा होगा, क्यों, क्योंकि हमारा CH3 ग्रुप जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, इसलिए हमें मेटा नाइट्रो टोलुइन बनाना है, तो हमें ये वाला स्टेप जो है वो अपनाना होगा। इसके बाद हमारा अगला कन्वर्जन है, हमें टोलुइन से बेंजीन का फॉर्मेशन करना है। तो ये तो हमारा टोलुइन है, इससे हमें बेंजीन बनानी है, तो ये हमारा बेंजीन है, तो हमें एक CH3 ग्रुप जो है वो गायब करना है, मतलब एक कार्बन कम करना है। तो कार्बन नंबर कम जो है या तो डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन से होता है या फिर हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से होता है, तो यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जो है वो बेटर रहेगी। तो ये तो हमारा टोलुइन है, इसको हम क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करा देंगे, तो एसिडिफाइड KMnO4 से इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो ये तो हमारा बन जाएगा बेंजोइक एसिड। फिर इस बेंजोइक एसिड को सोडा लाइम में हीट करना है, तो सोडा लाइम हमारा क्या होता है, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर होता है, हीट कर दो। तो हमने बताया था कि ये एसिड है ये बेस है, तो सबसे पहले तो क्या बनेगा हमारा, सोडियम बेंजोइट, फिर हीट करोगे इसको तो इसका दूसरा मॉलिक्यूल जो है क्या निकालेगा, Na2CO3, और रिमेनिंग पार्ट जो है वो बेंजीन बना लेगा, तो Na2CO3 जो है वो निकल जाएगा।